प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक की RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना को लॉन्च किया। इस दौरान PM ने कहा कि देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब के 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में पार्टी नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा सहित सभी 10 मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं। कश्मीर में पुलिस को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हाइब्रिड आतंकी अरशद को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि घाटी में हाइब्रिड आतंकी टारगेट के लिए की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी के डिजिटल जन जागरण अभियान का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर BJP और RSS पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि आखिर हिंदू धर्म और हिंदुत्व में क्या अंतर है, क्या वे एक ही बातें हैं? अगर वे एक ही बात है तो हम उनके लिए एक जैसा नाम क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? देश की आज़ादी का साल 2014 बताकर कंगना रनौत चौतरफा विवादों में घिर गई हैं। कहीं उन पर FIR दर्ज हो रही है तो कहीं उन्हें देशद्रोही करार दिया जा रहा है। इस बीच जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने कंगना को सूपनखा की बहन बता दिया है। इसके साथ उन्होंने कंगना को बिहार में ऐसा बोलने का चैलेंज भी दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 नवंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम इंडिया की घोषणा हो गई है। पहले टेस्ट में कोहली को आराम दिया गया है, उनकी जगह रहाणे को कप्तान और पुजारा को कप्तान की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो वहीं विराट कोहली दूसरे टेस्ट के लिए टीम में शामिल होंगे और टीम का नेतृत्व करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। टिकैत ने कहा है कि सरकार को जगाने और अपनी बात मनवाने के लिए किसान 29 नवंबर को ट्रैक्टरों से संसद भवन जाएंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को कथित 1 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी प्रवर्तन निदेशालय ED की हिरासत 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख को पिछले सप्ताह ही गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें सभी बदमाशों को एक ही जगह पर पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है। बता दें कि पुलिस को आरोपियों के पास से तमंचा और धारदार हथियार भी मिले हैं। आतंकियों के सामने घुटने टेकने को मजबूर पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने कट्टरपंथी संगठन तहरीके तबैक पाकिस्तान के 54 और सदस्यों को आतंकी सूची से हटा दिया है। इससे पहले संगठन के प्रमुख साद रिजवी का नाम आतंकी सूची से हटाया गया था। रिजवी जल्द ही कोट लखपत जेल से रिहा होने वाला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।